दो दिन पहले पिता को आग देने के बाद भी पहुंची अपने राज्य को जिताने के लिए। दो दिन पहले ही उठा था सर से पिता का साया, लेकिन वो फिर भी टूटी नहीं। पिता की मौत पर परिवार वालों को ढांढस बांधते हुए कह दी ऐसी बात जो किसी के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। कहते हैं जब आत्मबल ऊंचा हो और कुछ करने का जुनून हो तो विपरीत परिस्थितियां भी उसे और मजबूत बनाती है। ऐसी ही एक मिसाल उत्तराखंड की 12वीं की छात्रा अंजलि विश्वकर्मा ने पेश की है। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक की रहने वाली अंजलि ने लक्ष्य हासिल करने के लिए जारी अपने पुरजोर कोशिश में कोई बाधा आने नहीं दी। दरअसल 11 नवंबर की शाम पहाड़ी इलाके में हुए एक सड़क हादसे के चलते अंजलि के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन इस आघात के बावजूद अंजलि पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य को साधने में जुटी रहती है। वह अपने स्कूल में राज्य स्तरीय बालिका अंडर 19 कबड्डी की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही थी। दो हफ्ते पहले ही जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में अंजलि ने विकास खंड मोरी को चैंपियन बनाया था और उसी के आधार पर उसका चयन तीन और छात्राओं के साथ जिला टीम में हुआ था। 13 नवंबर को ही उसे अपने स्कूल अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नेटवर्क की अन्य छात्राओं के साथ राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उत्तरकाशी जिला मुख्यालय जाना था। अंजलि का टीम के लिए सिर्फ चयन ही नहीं हुआ था बल्कि वह अपने जिला उत्तरकाशी की कबड्डी की टीम की कैप्टन भी थी। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जाने से ठीक दो दिन पहले जब उसे पता चला कि दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गई तो मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। लेकिन इस मुश्किल वक्त में अंजलि खुद को संभालते हुए अपनी दादी माँ और छोटी भाई बहन के पास अपने गांव जाती है और उन्हें ढांढस बंधाती है। इसके बाद 12 नवंबर को अंजलि के पिता का अंतिम संस्कार होता है। इस दौरान यह खबर सुनकर स्कूल के प्रिंसिपल पीएल सेमवाल अंजलि के घर जाते हैं। लौटते वक्त अंजलि उनसे कहती है सर मैं 14 नवंबर से होने वाली कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाऊंगी। उसके इस साहस का समर्थन उसकी दादी यह कहकर करती है कि हाँ बेटी तू जरूर जा, जाने वाला तो चला गया, तू अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़। मीडिया से बातचीत में प्रिंसिपल सेमवाल कहते हैं कि जहां एक और पिता की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई, वहां एक बेटी का स्कूल और जिले के लिए कबड्डी खेलने का यह निर्णय और खेल के प्रति जुनून हैरान करने वाला था। दोस्तों उत्तराखंड की इस बेटी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, गजेटा पोस्ट, नई दिल्ली।